गाइस सिद्धार्थ शुक्ला की ब्रोकन बैक ब्यूटीफुल 3 की सीरीज को तो हमने बहुत अच्छे तरह से हिट करा दिया, मगर इसके ऊपर सिद्धार्थ शुक्ला क्या बोले, इसकी IMDb रेटिंग क्या है और आखिरकार ये कौन से पोजीशन पर है। इस कंडीशन में फैंस के सारे अनगिनत प्यार दिखाने के ऊपर सिद्धार्थ शुक्ला अपना अनगिनत वाला एक ट्वीट करते हुए नजर आए, जहां पर सिद्धार्थ ने बड़ी ही प्यारी बातें फैंस से कही। सिद्धार्थ कहते हैं, फीलिंग ब्लेस्ड That BBB3 has been genuinely loved by our audience. Audience ने genuine वाला सिद्धार्थ शुक्ला की इस Broken But Beautiful 3 को प्यार दिखाया। Many of us check IMDb for ratings before watching something. काफी ज्यादा लोग जो है वो IMDb ratings check कर रहे हैं देखने के बाद इस सीरीज को, क्या आखिरकार कहां तक पहुंची, नहीं पहुंची हो दोबारा से देखी जाए सीरीज को, है ना। And to see our series Being appreciated across platforms is a cherry on top. काफी सारे फैंस ने सिद्धार्थ शुक्ला की इस वाली वेब सीरीज को, इस वाले वर्क को अप्रिशिएट किया। बहुत सारे फैंस ने सराहना की सिद्धार्थ शुक्ला के काम की कि हाँ, हमारे सिद्धार्थ ने बहुत अच्छे से काम करके दिखाया। और सिद्धार्थ एक जेन्युइन एक्टर है यार, कोई छोटा मोटा नाम तोड़िए सिद्धार्थ का इंडस्ट्री में। सिद्धार्थ का बहुत बड़ा नाम पहले ही रह चुका है, BB13 के अंदर आए, वहां पर उन्होंने अपनी कलाएं दिखाई सारी। उसके बाद सिद्धार्थ शुक्ला को काम मिला, जहां जहां सिद्धार्थ शुक्ला को काम मिला वहां वहां सिद्धार्थ शुक्ला ने अपनी परफॉर्मेंस जाहिर की और कोई कसर नहीं छोड़ी अपनी परफॉर्मेंस दिखाने में। इसके आगे सिद्धार्थ कहते हैं, फॉर ऑल ऑफ यू हु हैवंट सीन इट येट, देख लो फैब वेदर। अगर जिन्होंने नहीं देखी तो जाकर देख लीजिए, वो सिद्धार्थ शुक्ला कहते हुए नजर आए। और अगर मैं आपको इसकी IMDb रेटिंग बताता हूँ, देखो जेन्युइन वाली एक्चुअल में है कि दरअसल वो मैंने आपको शेयर नहीं की थी। इसकी IMDb अगर हम रेटिंग चेक करते हैं, सबसे पहले तो 9.3 से लेकर 9.6 के बीच में चल रही है, ऊपर नीचे हो रही है। जेन्युइन कभी भी नहीं होती, कभी 9.4, कभी 5th, कभी 6, तो कभी 7, मगर जेन्युइन वाली अगर इसकी IMDb रेटिंग देखी जाए तो वो 9.3 से लेकर 9.6 के बीच में चल रही है, ऊपर नीचे होकर, ठीक है, वो घटती रहती है बढ़ती रहती है। और अगर बात की जाए इसके व्यूज़ की कि एक्चुअल में इसके ऊपर कितने व्यूज़ आ गए, तो इसके मैं आपको प्रॉपर वाले व्यूज़ बता देना चाहूँगा कि सिद्धार्थ की इस वाली सीरीज़ के ऊपर 3+ मिलियन व्यूज़ इसके ऊपर आते हुए नज़र आते, यानी कि 30 लाख लोगों ने इस वाली सीरीज को देख लिया है, 30 लाख से ज़्यादा लोगों ने देख लिया। और अगर मैं इसकी रैंक बताऊं आपको, तो रैंक इसकी होगी सेकंड नंबर पर। तो अब आप कहेंगे कि फर्स्ट पर कौन है, फर्स्ट पर जो अभी शो आया है द फैमिली मैन 2 जो शो आया है, जहां पर सिद्धार्थ शनाज ने भी प्रमोट किया था, वो एटलीस्ट बड़े प्लेटफॉर्म पर आया है, अमेजोन प्राइम पर। वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने उस शो को देखा और उस वाले शो को नंबर 1 पर बैठा दिया, मगर सेकंड नंबर पर सिद्धार्थ शुक्ला मौजूद हैं। ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी, ये एक बड़ी कामयाबी, फैंस का इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करना। सिद्धार्थ की सीरीज कल तक 5th नंबर पर मौजूद थी और आज नंबर 2nd पर बैठा दिया, हालांकि नंबर 1st पर आ गई थी जब फैमिली मैन शो भी इसी दौरान रिलीज होना था। 2-3 दिन के बाद फैमिली मैन शो आया और फिर उसके बाद से क्या हुआ, 4-5 दिन बाद फैमिली मैन शो आया, फिर उसके बाद वो नंबर 1 पर शामिल हो गया और सिद्धार्थ की सीरीज नंबर 2 पर आ गई। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भाई, इतना ज़्यादा फैंस को प्यार दिखाना सिद्धार्थ शुक्ला को, सभी फैंस ने अप्रिशिएट किए। तो ये है सिद्धार्थ का लेटेस्ट ट्वीट, जहाँ पर सिद्धार्थ शुक्ला ने दिल से ये सारी बातें लिखी फैंस के सामने, और जिसने नहीं देखी तो देख लीजिए।